वो हम आपको बता दें, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कोई कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। अभी कुछ दिन पूर्व यानी पहले जामताड़ा ज़िला के फतेहपुर बाज़ार मदीना मस्जिद में कुछ फिरका परस्त लोगों ने, जो लोग ये चाहते हैं कि समाज में हम नफरत फैलाएं, समाज में भाईचारगी को ख़त्म करें, जो लोग ये चाहते हैं कि धर्म के आड़ में हम राजनीतिक और सियासत करें, उन लोगों ने मदीना मस्जिद से कुरान मुकद्दस, जो मुसलमानों की सबसे पवित्र और दुनिया की सबसे अजीम किताब है, उस किताब को 200 मीटर की दूरी पर ले जा कर के उन शरपसंदों ने जलाने का काम किया है। हालांकि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा अमनो अमान और भाईचारगी को कायम करने के लिए और बनाए रखने के लिए हम लोगों ने हमेशा ये सहयोग किया है, आज भी हम चाहते हैं कि अमनो अमान कायम रहे। लेकिन मुसलमान, तुम मुझे गाली दे दो बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे नबी को गाली दोगे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम मेरा मकान जला दो, दुकान जला दो, तुम मुझ पर जुल्म करो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरी किताब जो सबसे बड़ी किताब है कुरान मुकद्दस की, अगर तुमने बेहुर्मती की तो हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जामताड़ा ज़िला के फतेहपुर बाज़ार मदीना मस्जिद से 200 मीटर की दूरी हम सारे लोग ये हुकूमत झारखंड से मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की गंदी हरकत की है जेल की सलाखों में डाला जाए और उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाए। देखिए, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं बगोदर में, और इस बगोदर विधानसभा की ये मरकज़ी मस्जिद है। इस मरकज़ी मस्जिद के हमारे इमाम ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना इकबाल अहमद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, साथ ही हमारे अमन फाउंडेशन के बहुत ही अहम रुख और बगोदर ब्लॉक के विश्वतरी अध्यक्ष जनाब सरवर खान साहब, जो मुल्क व मिल्लत की सलाह फलाह के लिए हमेशा पेश